हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके अकॉर्डिंग है। आप लोग गूगल यूट्यूब पर कितने सारे क्वेश्चन पूछते हो चने और गुड़ को लेकर। आज हम उन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। गुड़ और चने को क्यों खाया जाता है, इसे कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। गुड़ और चना, ये आज या कल से नहीं खाया जा रहा, बल्कि इसे बरसों पहले से खाया जा रहा है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी बॉडी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको वीडियो के एंड होने तक पता चल ही जाएगा। आपको पता है गुड़ के अंदर और चने के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे आयरन, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा सेलेनियम, यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल पाए जाते हैं जिसको साथ में खाने से आपकी बॉडी बनती है। देखिए, इस वीडियो को हम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा रहे हैं ताकि आप में से जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बातें अच्छे से समझ में आए। देखिए, गुड़ के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है और चने में प्रोटीन फाइबर होता है, तो इसे आप लोग जब भी साथ में लेते हो तो इससे आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आती है और आपकी बॉडी के अंदर जाकर यह आपके खून को भी बढ़ाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जिनकी बॉडी में खून की कमी रहती है, बॉडी में जान नहीं रहती। ऐसे लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, आपको डेली इसका सेवन करना चाहिए। अब आप में से ही काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये कॉम्बिनेशन इतना ताकतवर कैसे है, तो इसके पीछे भी कंप्लीट लॉजिक है। आपको पता है इन दोनों के अंदर ही आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, इसके अलावा फाइबर होने की वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा, और प्रोटीन रिच होने की वजह से जो दिन भर में आपकी बॉडी के अंदर टूट फूट होती है यानी जितने भी डैमेज होते हैं उसे रिपेयर करेगा। आपको डेफिनेटली इसका सेवन डेली करना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों को जिनकी बॉडी के अंदर कमजोरी रहती है। अब आप लोग एक और क्वेश्चन पूछते हो, किस बीमारी के लिए इसे खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। इसमें फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, प्लस प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तो ऐसे सभी लोग जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, तो ऐसे लोगों को डेली एक मुट्ठी चने और थोड़े से गुड़ का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा वो पेशेंट जिनकी बॉडी के अंदर खून की कमी है यानी एनीमिया की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में भी आपको ये कॉम्बिनेशन को साथ में लेना चाहिए। प्लस उन लोगों को भी इसका सेवन करना चाहिए जिनको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी आपको गैस की समस्या है, कब्ज़ की समस्या है, या आप लोग जो भी खाते हो वो अगर अच्छे से नहीं पचता है, तो उस कंडीशन में भी आपको इसे खाना होगा, क्योंकि चने के अंदर फाइबर पाया जाता है और गुड़ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ऐसे लोगों को भी गुड़ और चने को साथ में लेना चाहिए। ऐसा करने से उनको पेट से जुड़ी जितनी भी तकलीफें हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा इसका सेवन ऐसे लोगों को भी करना चाहिए जिनकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, क्योंकि चने के अंदर फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में है, प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में है, इससे उनका ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहेगा और इंसुलिन का सिक्रीशन भी अच्छे से हो पाएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने की। देखिए, आप लोग एक क्वेश्चन और पूछते हो गुड़ और चने को लेकर कि इसे कितना खाना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस बात को एक कॉमन व्यक्ति ऐसे समझ सकता है कि छोटे से गुड़ को लेकर और एक मुट्ठी चने को लेकर आपको मिक्स करके खाना है। अब इसे लेकर एक और बेसिक क्वेश्चन है कि इसे कब खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए कि रात में खाना चाहिए। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट टाइम होगा आप लोगों को दोपहर के टाइम पर और शाम के टाइम पर, जब भी छोटी मोटी भूख लगती है उस टाइम पर आप इसे ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा टाइम है इसे खाने का। तो आई एम श्योर आप लोग इसके इतने सारे फ़ायदे जानने के बाद इसे डेली अपनी डाइट के अंदर शामिल करोगे।
आपको पता है ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पर नेचुरल शाइन लाता है और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए हमें बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है। फॉस्फोरस भी आपके बालों को अच्छा करता है, तो जो लोग सिर्फ बालों और स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं उन्हें भी इसका सेवन करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर इसे खाइए और अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। इसी तरीके के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ यू रियली लाइक इट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।